बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कॉस्ट अकाउंटिंग वेरिएंस का ये चैप्टर है, इसमें एक्सरसाइज नंबर 9 करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 9 और 11 आज डिस्कस करेंगे। देख लें, क्वेश्चन देख लें। मिचेल कंपनी मेड द फॉलोइंग डेटा अवेलेबल फ्रॉम इट्स अकाउंटिंग रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट। पहले उसने बता रेट दे दिया है 6 लाख एस्टिमेटेड FOH एंड डिवाइडेड बाय 2 लाख। ये एस्टिमेटेड मशीन आर नॉर्मल कैपेसिटी है। स्टार्ट में जो यूनिट्स या आर्स में दी गई होगी वो क्या होती है? नॉर्मल कैपेसिटी। और बाद में जो दी गई होगी वो एक्चुअल है। 3 प्री डिटरमाइन ओवरहेड रेट, ये टोटल FOH का रेट 3 है। FOH रेट जो हम अप्लाइड के लिए यूज़ करते हैं ना वो 3 है। फर्दर एनालिसिस इंडिकेट दैट 1/3 ऑफ द रेट वेरिएबल कॉस्ट ओरिएंटेड। इसका 3 का 1/3 मतलब एक वेरिएबल का रेट है। ड्यूरिंग द ईयर कंपनी वर्कड 2,10,000 मशीन आर एंड एक्चुअल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वर 6,31,000। ये एक्चुअल FOH और एक्चुअल कैपेसिटी दे दी। फाइंड क्या करना है? स्पेंडिंग वेरिएंस और कैपेसिटी वेरिएंस, स्पेंडिंग वेरिएंस और कैपेसिटी वेरिएंस। ये यहां तक व्हाइट बोर्ड आ रहा है। स्पेंडिंग पहले एक्चुअल FOH, उसमें से लेस कर देते हैं हम बजट अलाउंस। एक्चुअल FOH कितने हैं? 6,31,000 एक्चुअल FOH है। इसमें से लेस कर देंगे बजट अलाउंस। बजट अलाउंस आपको पता है फिक्स और वेरिएबल को मिलके बनता है। फिक्स हम टोटल लेते हैं और वेरिएबल का रेट एक्चुअल कैपेसिटी से मल्टीप्लाई करके वेरिएबल निकालते हैं। फिक्स्ड FOH, इस क्वेश्चन में फिक्स्ड FOH नहीं दिए हुए तो फिक्स्ड हम निकालेंगे खुद। और वेरिएबल FOH, वेरिएबल FOH हम निकालते हैं एक्चुअल कैपेसिटी मल्टीप्लाई बाय FOH, वेरिएबल FOH रेट। एक्चुअल कैपेसिटी है 2,10,000 दी हुई है लास्ट में, मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल रेट 1। उसने ऊपर टोटल FOH का रेट दिया 3, उसने कहा 1/3 वेरिएबल ओरिएंटेड, 1/3 जो है वो वेरिएबल का रेट है। तो इसका हम 1/3 लिया तो वो 1 आ गया। तो वेरिएबल FOH 2,10,000, वेरिएबल FOH 2,10,000। फिक्स FOH हम कैलकुलेट करेंगे। फिक्स FOH कैसे कैलकुलेट करेंगे? टोटल बजटेड FOH उसने हमें दिए हैं, बजटेड FOH टोटल हैं जी 6 लाख। इस बजटेड में से, तब के बजटेड में से, तब का वेरिएबल अगर हम माइनस कर दें तो फिक्स FOH रह जाएगा। फिक्स FOH जो पहले था आज भी वही होगा, कल भी वही होगा, नेक्स्ट ईयर भी वही होगा, क्योंकि फिक्स चेंज नहीं होता, वेरिएबल चेंज हो जाता है। तो हम लेस कर देंगे तब वाला वेरिएबल FOH, तो फिक्स आ जाएगा हमारे पास। तब वेरिएबल कैपेसिटी कितनी थी? 2 लाख। वेरिएबल का रेट चेंज नहीं होता, वेरिएबल का रेट हमेशा 1 ही था, फिक्स टोटल चेंज नहीं होते। ये 2 लाख इसमें से कर देंगे माइनस, तो हमारे पास 4 लाख फिक्स FOH आ गई। फिक्स्ड FOH 4 लाख आ गई। अब ये बात समझ आई है आपको कि पहले जो बजटेड FOH थे, बजटेड FOH में फिक्स और वेरिएबल दोनों थे। तब जो फिक्स थे वो फिक्स टोटल चेंज नहीं होने, ये 4 लाख हम प्रीवियस से निकाल लिया हमने। वेरिएबल का रेट चेंज नहीं होता, वेरिएबल टोटल चेंज हो जाता है। देखें इस बार वेरिएबल हमारे पास ये हैं, फिक्स FOH हमने निकाल लिए 4 लाख, वो लिख देंगे यहाँ। टोटल
बजट अलाउंस कितना आ गया हमारे पास 6,10,000। इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो आंसर हमारा क्या आएगा, फेवरेबल, फेवरेबल नहीं अनफेवरेबल बैलेंस होगा। कितना आ गया, 21,000 अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ स्पेंडिंग वेरिएंस आ गया। अनफेवरेबल स्पेंडिंग कितना आ गया, 21,000। एक्चुअल माइनस बजट अलाउंस, इसमें कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज समझ ना आई हो, क्लियर हो गया। आइडल कैपेसिटी वेरिएंस कर लेते हैं, आइडियल कैपेसिटी वेरिएंस में बजट अलाउंस लेस क्या करेंगे उसमें से अप्लाइड एफओएच। बजट अलाउंस तो हमारे पास है, बजट अलाउंस तो हम पहले से कैलकुलेट कर चुके हैं, यही लिख देंगे यहां 6,10,000, लेस करेंगे इसमें से अप्लाइड एफओएच, अप्लाइड कैसे निकालेंगे, एक्चुअल कैपेसिटी को मल्टीप्लाई किससे करते हैं, एफओएच, टोटल एफओएच रेट से एक्चुअल कैपेसिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारे पास आ जाएगा अप्लाइड एफओएच, एक्चुअल कैपेसिटी मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल कैपेसिटी कितनी है, 2,10,000, टोटल एफओएच रेट कितना है 3, तो ये कितना आ गया 6,30,000, माइनस करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 20,000, फेवरेबल या अनफेवरेबल, फेवरेबल आ जाएगा। ये हमारे पास 20,000 फेवरेबल आ गया, इसमें कोई कन्फ्यूजन हो, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जो है वो 11 एक्सरसाइज में हम सीखेंगे मिसिंग वैल्यूज़ को कैसे कैलकुलेट करना, उसमें मिसिंग वैल्यू से वेरिएंस सीखेंगे। यहाँ पर इसमें आज हमारा यही क्वेश्चन है, नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला फिर हम करेंगे।